उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिस तरह से अजीत सिंह की गोली मारकर बदमाशों ने हत्या कर दी, उस तरह से साफ लग रहा है कि अपराधियों के अंदर से पुलिस का इकबाल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, लखनऊ के विभूति खंड में भीड़ भाड़ वाले कठौता चौराहे पर सरेशाम गैंगवार के दौरान फायरिंग से राजधानी थर्रा उठी। वारदात में मऊ के मोहम्मदाबाद गोहना के पूर्व प्रमुख अजीत सिंह की हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक दिसंबर में जिला बदर किए जाने के बाद उसने राजधानी में शरण ली थी। बुधवार शाम करीब 8:30 बजे वह साथी मोहर सिंह के साथ कठौता चौराहे पर स्थित उदय टावर गया था। जैसे ही वह गाड़ी से उतरा, बदमाशों ने उस पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। जवाब में मोहर सिंह ने भी फायरिंग की, लेकिन दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस मामले में राहगीर डिलीवरी बॉय आकाश भी घायल हो गया। कल जिस तरह से अजीत सिंह की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी, वो कहीं न कहीं से लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट पर एक सवालिया निशान खड़ा करती है। जहां एक तरफ लगातार पुलिस की तरह से तमाम दावे किए जा रहे हैं कि अपराधों में कमी आ रही है, उस तरह से कहीं न कहीं से ये जो घटना है वो पुलिस पर एक सवालिया निशान खड़ा करती है। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस ने एक FIR दर्ज करी है, लेकिन पुलिस के सामने अभी भी चुनौती है कि पुलिस कितनी जल्दी हत्या आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजती है। और पुलिस को एक नजीर साबित करनी होगी कि अपराधियों के अंदर पुलिस को लेकर एक खौफ पैदा हो, जिससे अपराधों में कमी आए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमीश मिश्रा के साथ संदीप खेर, R9 TV, उत्तर प्रदेश। सीएम योगी की 2 दिवसीय दौरे की बैठक काफी अहम रही। वर्तमान में किस तरीके से वैक्सीन का टीकाकरण किया जाना है और साथ ही कोरोना की क्या स्थिति इस वक्त प्रदेश में है और कैबिनेट का विस्तार किस तरीके से किया जाए, तमाम बातों को लेकर ये बैठक हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली में 2 दिवसीय दौरा रहा। कल उनकी मुलाकात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से हुई, तो वहीं दूसरी मुलाकात लगभग 8:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह से हुई, जहां उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को रामलला की मूर्ति भेंट की। ये बैठक लगभग 2 घंटे तक चली। वहीं आज सबसे महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई, जो बैठक 1 घंटे तक चली। इस दौरान कैसे उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति है और किस तरीके से कोरोना की वैक्सीन का टीकाकरण किया जाए और आने वाले समय में कैबिनेट का विस्तार किस तरीके से और किस रणनीति के तहत हो, तमाम मामलों को लेकर आज की चर्चा सबसे महत्वपूर्ण रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दौरा दिल्ली में रहा, जहां उन्होंने कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करी। वहीं लगभग कल 8:30 बजे उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर उन्हें रामलला की मूर्ति भेंट की। आज की बात की जाए, सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात लगभग 1 घंटे तक प्रधानमंत्री से चली। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि ये तो अभी सिर्फ एक ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है और अगर सरकार उनकी बातों को नहीं मानती तो 26 जनवरी के दिन किसान दिखा देंगे कि वो क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम 26 जनवरी की परेड देखने के लिए दिल्ली में जरूर जाएंगे। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों द्वारा यूपी गेट से विशाल ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। ट्रैक्टर मार्च में बड़ी संख्या में किसान अपने अपने ट्रैक्टर के साथ शामिल हुए। किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी पूरी तरह अलर्ट पर रहे। ट्रैक्टर मार्च में हजारों की संख्या में ट्रैक्टर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से गाजियाबाद पहुंचे थे। किसानों का कहना है कि सरकार को आज नहीं तो कल किसानों की मांगों को मानना ही पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक सरकार नए कृषि कानून वापस नहीं लेगी, तब तक किसानों की घर वापसी नहीं होगी। ट्रैक्टर रैली के दौरान किसानों का जोश भी देखने के काबिल था। हाथ में तिरंगा झंडा लिए किसान भारत माता की जय और किसान एकता जिंदाबाद के साथ मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। इस रैली में बुजुर्ग किसानों के साथ बड़ी संख्या में युवाओं ने भी भागीदारी की। किसानों और सरकार के बीच दिल्ली में प्रस्तावित 9वें चरण की वार्ता से पहले आज किसानों ने गाजियाबाद में शक्ति प्रदर्शन किया। किसानों ने आज यहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली रैली निकाली और उसके बाद ईस्टर्न पेरिफेरल वे पर पहुंचकर वहां 26 जनवरी की परेड की रिहर्सल की। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी बात को नहीं मानती है तो वो दिल्ली में 26 जनवरी की परेड में शामिल होंगे और अगर उस वक्त उन्हें रोका गया तो उनके हाथों में लिए हुए तिरंगे झंडे का अपमान होगा, जिसकी जिम्मेदार खुद सरकार होगी। 2 दिन के भीतर हरीश रावत की सियासत में 2 चेहरे दिखाई दिए हैं। एक ओर उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है, तो दूसरी ओर अगले ही दिन उन्होंने मुख्यमंत्री को बेरोजगारों के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की है। अब ये कौन सी सियासत है हरीश रावत की, ये तो खुद ही जाने, लेकिन सियासत के गलियारे में इसकी चर्चा खूब हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक ट्वीट कर चौंका दिया है।
हरीश रावत ने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश पे प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी बंसीधर भगत की ओर से की गई अमर्यादित टिप्पणी पर डैमेज कंट्रोल करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को थैंक यू कह दिया। बीजेपी की आंशिक फजीहत से बचाने की बात कर दी, जिसे लेकर सियासी गलियारे में कई मायने निकाले जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी बयान के कई सियासी निहितार्थ तलाशे जा रहे हैं। यहां तक कहा गया कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहीं न कहीं सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई देता है, क्योंकि एक ओर जहां पूरी कांग्रेस लामबंद होकर बंसीधर भगत की घेराबंदी कर रही है, वहीं हरीश रावत इतनी जल्दबाजी में सीएम को क्यों ट्वीट कर दिए। जाहिर है ये भी चर्चा आम हुई है कि नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश और हरीश रावत के बीच पुरानी अदावत गाहे बगाहे सामने आती रही है। हरीश रावत अपने राजनीतिक बयान से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। आजकल वो सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव हैं। इसी एक्टिव होने के दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री को लेकर एक ट्वीट कर दिया। हालांकि इस ट्वीट को लेकर सियासी गलियारे में काफी चर्चाएं हो रही है, लेकिन उनके ट्वीट के कई मायने जहां निकाले जा रहे हैं, वहीं यह कहा जा रहा है कि हरीश रावत आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे उनकी क्या मंशा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि हरीश का अगला कदम क्या सॉफ्ट कॉर्नर मुख्यमंत्री के प्रति यूं ही रहता है, या फिर वो पलटवार करते हुए सरकार को घेरने का काम करेंगे। बरेली नगर निगम सियासत का अखाड़ा बनता जा रहा है। दरअसल पूर्व मेयर आईएस तोमर ने वर्तमान मेयर उमेश गौतम पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। पूर्व मेयर आईएस तोमर का कहना है कि वर्तमान मेयर उमेश गौतम ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है और ये जमीन 10 बीघा है। बरेली नगर निगम एक बार फिर सियासत का अखाड़ा बनता जा रहा है। इस बार पूर्व मेयर आईएस तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा के वर्तमान मेयर उमेश गौतम पर जोरदार हमला बोला है। पूर्व मेयर आईएस तोमर ने कहा कि मेयर उमेश गौतम ने नगर निगम की 10 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। इस जमीन को मुक्त कराने के लिए उन्होंने सीएम को एक पत्र लिखा है। उन्हें उम्मीद है कि सीएम इस मुद्दे पर न्याय करेंगे। फिलहाल ये मामला राजनीतिक सुर्खियां बटोर रहा है। पूर्व मेयर आईएस तोमर ने एक बार फिर 15 साल पुराने मुद्दे को जिंदा कर रखा है। दरअसल इस बार मेयर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर वर्तमान मेयर उमेश गौतम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पूर्व मेयर आईएस तोमर ने आरोप लगाया है कि वर्तमान मेयर ने 10 बीघे जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और अपनी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग को वहां बना रखा है। ऐसे में अब देखना होगा कि स्थानीय प्रशासन शासन इस मामले पर क्या कार्रवाई करता है। कैमरा पर्सन पवन कश्यप के साथ मैं भीम मनोहर आनआईटीवी बरेली। मेरठ का थाना भावनपुर क्षेत्र में पति ने एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। पति सुनील ने मामूली सी बात पर अपनी पत्नी रजनी को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल गोल्फ कॉलोनी में पड़ोसी के घर में चल रहे सुंदरकांड पाठ में जाने से इनकार करने में पति सुनील ने तवे से हमला कर पत्नी रजनी को मार डाला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक महिला के परिजनों ने दो महिलाओं समेत चार लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाकर तहरीर दी है। सुनील कुमार मूल रूप से गजरोला का रहने वाला है। उसकी शादी 2011 में दौराला थाने के गांव मटोर निवासी रजनी से हुई थी। उसके दो बच्चे माही 5 साल और माधव 7 साल है। वहीं पुलिस ने बताया कि महिला की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी पति सुनील को गिरफ्तार कर लिया है और मृतक रजनी के परिजनों की तहरीर के आधार पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। अब्दुल कादिर, R9 TV, मेरठ। चुनाव पंचायत को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अब कमर कस ली है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने आज कानपुर में कानपुर मंडल के पदाधिकारी और प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बैठक करी। वहीं चुनाव पंचायत को लेकर के चर्चा भी की गई। चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी कानपुर मंडल क्षेत्र के महतपुर बैठक आयोजित हुई। बैठक में बतौर मुख्य वक्ता प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने शिरकत की। बैठक के दौरान कहा गया कि पंचायत चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होना होगा। पार्टी का उद्देश्य है कि पंचायत में अच्छे लोग चुनकर पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री व पूर्व सांसद प्रियंका रावत ने भी बैठक में मौजूदा ब्लॉक प्रभारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी तभी सशक्त हो सकती है जब उसकी नींव मजबूत हो। पंचायतों में भाजपा प्रत्याशी निर्वाचित होकर पहुंचेंगे तो देश और प्रदेश सरकार की जन उपयोगी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। इस दौरान बैठक में सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं विजय बहादुर पाठक के मुताबिक पंचायत चुनाव के मद्देनजर इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर के पूरे प्रदेश में चर्चा की जाएगी।
बांदा के खुरहन गांव में आज दो पक्षों में गोलियां चल गई, जिसमें एक की मौत हो गई और दो लोग घायल हैं। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पूरे मामले में पुलिस लगातार छानबीन कर रही है और जो आरोपी है उनको गिरफ्तार करने में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कोई भी आरोपी नहीं लगा है। गाँव में कर्फ्यू के हालात है, पूरे गाँव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आपसे बता दें कि ये जो घटना है ये बांदा के खुरहंड गांव की है, जहां सुबह आरसीसी निर्माण को लेकर के विवाद हो गया, जिसमें दो पक्षों में कहासुनी के बाद गोलियां चल गई और एक की मौत हो गई है। आपसे बता दें कि ये जो सड़क निर्माण ये जिला पंचायत के द्वारा कराया जा रहा था, जिसको लेकर रंगदारी का मामला सामने आया। विगत दिनों इस सड़क निर्माण के दौरान रंगदारी का मामला सामने आया था, जहां पर सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी, जो किसी गांव के रहने वाले, उन्होंने मध्यस्थता करके 20,000 रुपये रंगदारी दिलवा करके ठेकेदार से इस दबंग को और किसी तरह से मामला शांत कराया था। लेकिन कुछ दिन बाद अब सड़क जैसे ही निर्माण कार्य शुरू हुआ, उसके बाद फिर एक बार ये सड़क में विवाद हो गया और जिनके दरवाजे से सड़क बननी थी उन्होंने इसका हस्तक्षेप किया, तो दबंग ने उनको गोली से भून दिया। आपसे बता दें कि ये जो खुरहन गांव है, यहीं से सदर विधायक जो है प्रकाश द्विवेदी, वो यहां से विधायक हैं और जिला पंचायत, उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्षा सरिता द्विवेदी हैं और जिला पंचायत द्वारा ही यहां पर सड़क बनाई जा रही थी। उसके बाद इतना बड़ा विवाद हो जाना कहीं ना कहीं शासन की मंशा पर पानी फेरता दिख रहा है, योगी सरकार के साख पर बट्टा लगता दिखा रहे, क्योंकि दोनों ही बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्षा भी बीजेपी से हैं और यहाँ के जो सदर विधायक हैं वो भी बीजेपी से हैं। बावजूद उसके यहाँ पर जिला पंचायत की ही सड़क निर्माण में इतना बड़ा विवाद होना, उसमें माननीय विधायक का नाम आना और उसके बाद उसमें एक युवक की हत्या हो जाना और दो लोगों की हालत गंभीर होना कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े करता है। बांदा से R9 TV के लिए अतुल मिश्रा। DS महाविद्यालय में आज छात्रों द्वारा कक्षाएं बंद कर जमकर प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान आगरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। आपको बता दें कि 85% छात्र और छात्राएं फेल कर दिए गए हैं। उसी से नाराज छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर पूरे प्रकरण की जांच नहीं हुई तो निश्चित तौर पर वो धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। आपको बता दें गांधी पार्क थाना इलाके के DS डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं ने कॉलेज कैंपस के अंदर कक्षाएं जबरन बंद कराते हुए प्रदर्शन किया है, जिसके बाद सभी छात्र छात्राएं प्रिंसिपल रूम के बाहर धरने पर बैठ गए। छात्र छात्राओं का कहना है कि यूनिवर्सिटी से आए रिजल्ट में 85 से 90% छात्र छात्राओं को फेल कर दिया गया है। जब तक सभी छात्र छात्राओं को पास नहीं किया जाएगा, छात्र छात्राएं इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं छात्रों के प्रदर्शन के दौरान भारी तादाद में पुलिस फोर्स कैंपस के बाहर तैनात रहा। देखने वाली बात यह है कि छात्रों की जो मांग है वो कब तक पूरी हो पाएगी। अलीगढ़ से कैमरामैन बबलू के साथ प्रमोद कुमार, R9 TV, उत्तर प्रदेश। जालौन में इंडियन बैंक कदौरा के बैंक मैनेजर ने गलत तरीके से अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बैंक के कई खाता धारकों के खातों में से 1,36,00,000 रुपए अपने परिजनों के खाते में किए ट्रांसफर। पूरा मामला जालौन के कदौरा थाना क्षेत्र के कस्बा कदौरा स्थित इंडियन बैंक का है, जहां पर पूर्व में रहे बैंक मैनेजर राहुल सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग कर कई खाता धारकों के खातों में धोखाधड़ी कर सन 2016 से लेकर 2019 तक 1,36,00,000 रुपए अपने चहेतों के खातों में ट्रांसफर कर दिए। इसमें किसानों के खाते में आए हुए किसान बीमा योजना के भी पैसे थे। वहीं जब वर्तमान बैंक मैनेजर व बैंक कर्मचारियों को इस घोटाले का पता चला तो उन्होंने इसकी जानकारी बैंक के उच्च अधिकारियों को दी और एक लिखित तहरीर बैंक मैनेजर के खिलाफ कदौरा थाने में भी दे दी। तहरीर मिलने पर पुलिस ने बैंक मैनेजर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर एसवीर सिंह ने बताया कि 2016 से 2019 तक इंडियन बैंक में तैनात रहे मैनेजर के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा पंजीकृत हुआ है। वर्तमान बैंक कर्मचारियों की तहरीर पर पूर्व बैंक मैनेजर पर पद का दुरुपयोग व धोखाधड़ी करने का मुकदमा पुलिस के द्वारा दर्ज किया गया है। पूर्व बैंक मैनेजर ने ग्राहकों का पैसा अपने खाते व अपने परिजनों के खाते में गलत तरीके से ट्रांसफर किया है और लगभग 1,36,00,000 रुपए का हेरफेर किया गया है, जिसकी जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है और स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। वहीं जब बैंक के अन्य कर्मचारियों को बैंक मैनेजर द्वारा किए गए इस पूरे फर्जीवाड़े की जानकारी हुई तो उन्होंने बैंक के उच्च अधिकारियों को इस पूरे फर्जीवाड़े से अवगत कराया और एक लिखित तहरीर कदौरा थाने में दी। वहीं बैंक कर्मचारियों की तहरीर के आधार पर कदौरा थाना पुलिस ने बैंक मैनेजर सहित 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।
ललितपुर जनपद के थाना बानपुर अंतर्गत ग्राम हुशंगा में एक झोला छाप डॉक्टर द्वारा इलाज करने से कई ग्रामीणों की हालत खराब हो गई। ग्रामीणों ने गांव के ही रहने वाले कुंजन सिंह पर आरोप लगाया है कि उसके इलाज करने से महिलाओं के शरीर में अंदरूनी खराबी आ गई एवं एक ग्रामीण की आंखों की रोशनी भी कम हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि इसका विरोध किया तो उसने कुछ लोगों के साथ मारपीट कर दी, जिसकी शिकायत पुलिस में भी कर दी गई है। वहीं इस मामले का संज्ञान लेते हुए सीएमओ ने जांच के आदेश कर दिए एवं कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। ललितपुर से शैलेंद्र जैन, R9 TV। केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी आज लखनऊ से सड़क मार्ग होते हुए रायबरेली पहुंची, जहां एक दिवसीय दौरा उनका रायबरेली के प्रसिद्ध पुल में था। वहां पर उन्होंने कई योजनाओं को जो है शिलान्यास किया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो उन्होंने अपने स्पीच में आज फिर जो है कांग्रेस को आड़े हाथों लेने से गुरेज नहीं किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज लखनऊ से सड़क मार्ग होते हुए रायबरेली के परसदेपुर पहुंची, जहां पर स्वर भारती विद्यालय परिसर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कई योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। उनके स्वागत में कई बड़े दिग्गज नेता जनपद के आला अधिकारी मौजूद रहे। वहीं उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 2024 में रायबरेली सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में बहुत जल्द कमल खिलेगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का यह एक दिवसीय रायबरेली दौरा खासतौर से 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर माना जा रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से जो है अमेठी की सीट कांग्रेस के हाथ से हट के जो है बीजेपी की झोली में गई थी, वहीं अब स्मृति ईरानी ने जो रायबरेली को टारगेट करते हुए अपनी स्पीच में कहा है कि रायबरेली भी कांग्रेस से मुक्त करने का काम किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किस तरह से जो है रायबरेली में परचम लहराती या फिर बीजेपी कांग्रेस के गढ़ में सेंध करने का काम करेगी। झांसी में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करवा दी। दरअसल पूरा मामला झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र का है, जहां कल सड़क किनारे एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई थी। इस मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए दो हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया और आज उन्हें जेल भेज दिया। पुलिस ने अपने खुलासे में जो बातें कही वो रिश्तों को शर्मसार करने वाली थी। दरअसल जिन लोगों के ऊपर हत्या का आरोप लगा है उसमें से एक मृतक की पत्नी है। पुलिस ने अपने खुलासे में बताया कि मृतक की जो पत्नी है उसके एक युवक से अवैध संबंध थे, जिन संबंधों की जानकारी उसके पति को हो गई थी, जिसके बाद से ही पति इस संबंध का विरोध कर रहा था। इस दौरान कल महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले अपने ही पति को शराब पिलाई और उसके बाद गाड़ी से घुमाने ले गई। घुमाने के दौरान उसकी पत्नी ने और प्रेमी ने युवक की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। इस मामले में झांसी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर आज जेल भेज दिया। वहीं झांसी पुलिस ने इस मामले में खुलासा करते हुए बताया कि महिला के अपने प्रेमी के साथ अवैध संबंध थे, जिसके बारे में उसके पति को पता चल गया था, जिसके बाद उक्त महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करवा दी। अमित गोयल, R9 TV, झांसी।